भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन यदि आप इन उपायों को कर लेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि इस बार 29 जून 2023 गुरुवार के दिन है। और सभी भक्तजनों, माताओं बहनों को इस दिन व्रत रखना चाहिए। यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको इन उपायों को भी कर लेना चाहिए। यदि व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप इन उपायों को जरूर करें, क्योंकि आपके जीवन की जो भी समस्याएं होगी, जो भी इच्छाएं होगी, इन उपायों को करने से अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। वैसे तो यह सभी उपाय आप जरूर करें, लेकिन यदि आप सभी उपाय नहीं कर पाते हैं तो इनमें से एक भी उपाय यदि आपने कर लिया तो आपके जीवन की समस्त इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। 29 जून 2023 गुरुवार के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 30 जून 2023 शुक्रवार की सुबह 5:52 से लेकर के 7:52 के मध्य आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत खोल लेना चाहिए। इस एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, विष्णु शयनोत्सव या हरि शयनी एकादशी या पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और एकादशी के दिन सबसे पहला उपाय भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी की पूजा कर उन्हें पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिला करके उनका तिलक करें और इसी तिलक से स्वयं भी तिलक लगाएं और अपने कार्य पर आपको निकल जाना चाहिए। ऐसा करने से आपके समस्त कार्य अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एकादशी के दिन व्रत आपको करना चाहिए। यदि व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो आपको एक नारियल को थोड़ा सा काट करके या गोला जो नारियल का होता है उसे काट करके उसमें शक्कर आपको डालना है और देसी घी उसमें भर देना है, यानी शक्कर तथा देसी घी उसके अंदर भर देना है। फिर इस नारियल को वापस बंद कर दीजिएगा और किसी ऐसे स्थान पर आपको मिट्टी में थोड़ा सा नीचे गड्ढा खोद करके गाड़ देना है, जहां आसपास चींटियों का बिल हो। जैसे जैसे चींटियां उस घी मिले जो है नारियल और शकर बूरे को या नारियल को खाएंगी, आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त होने लगेगी। कुछ ही दिनों में सभी तरह की आर्थिक समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी तथा आपके घर में धन संपत्ति वैभव सुख शांति सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगी। अष्ट लक्ष्मी आपके घर में आ जाएगी, स्थिर लक्ष्मी आपके घर में आ जाएगी। अगला उपाय, एकादशी के दिन डंठल वाले पान के पत्ते पर रोली अथवा कुमकुम या केसर से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए उनका स्मरण करते हुए श्री आपको लिखना चाहिए, केवल श्री। यदि श्री लिखकर के प्रभु को अर्पित कर देंगे और उसके बाद भगवान की पूजा करेंगे, पूजा पूर्ण होने के बाद इस पान के पत्ते को लाल कपड़े में लपेट करके तिजोरी में आपको स्थापित कर देना चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही आपकी नौकरी में प्रमोशन आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आप व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो आपके नए अवसर खुलने लगेंगे, नए सौदे आपके होने लगेंगे। देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग आपको लगाना चाहिए। पूजा के बाद इस नारियल और बादाम को तोड़ करके फोड़ करके छोटे छोटे बच्चों को प्रसाद के रूप में वितरण कर देना चाहिए। इस प्रकार यदि आप निरंतर 26 एकादशियों तक इस उपाय को करेंगे तो आपकी हर एक इच्छाएं जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान के प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 माला जप करने से व्यक्ति पर अचानक आने वाले कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। यदि आपके घर में अभी तक संतान प्राप्ति का अवसर नहीं आया है तो आपको जो है एकादशी के दिन यानी देवशयनी एकादशी के दिन
संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस महामंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही आपको संतान प्राप्ति का अवसर बनने लगेगा और आपकी समस्त इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। यदि आप अपने घर में सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं, सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको इस एकादशी के दिन पानी में थोड़ा सा गुड़ डाल करके और केले के पेड़ में अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, आपके घर में धन वैभव और सभी प्रकार की संपत्ति आपको प्राप्त होने लगेगी। साथ ही यदि देव शयनी एकादशी के दिन कोई मनुष्य पीपल के पेड़ के समीप गाय के घी का दीपक लगा करके और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का स्मरण करता है, तो निश्चित तौर से उसके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। इसी के साथ देव शयनी एकादशी की रात्रि में कोई भी मनुष्य यदि अपने घर में श्री यंत्र का पूजन करता है और उन श्री यंत्र को अपनी तिजोरी में या अपने गले में स्थापित कर देते हैं, तो निश्चित तौर से उनके घर में दशों दिशाओं से लक्ष्मी का आगमन होने लगता है और उनके घर में रुपये पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आती है। यदि आप रोग या शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान है, यानी आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज्यादा रोगी है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके शत्रु बहुत ज्यादा आपको परेशान करते हैं, तो आपको देव शयनी एकादशी के दिन सूर्यास्त के बाद काले कपड़े में एक मुट्ठी काले उड़द बांध करके अपने सिर से पैर तक 7 बार उतारने के पश्चात किसी भी पानी में, जलाशय में, कुआ में, बावड़ी में, तालाब में, समुद्र में उसको डाल देना चाहिए। ऐसा करने से आपके रोग और शत्रु समाप्त हो जाएंगे और आप सुख शांति समृद्धि को अवश्य ही प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं या शिक्षा में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको देव शयनी एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को हल्दी अर्पण करके उस हल्दी का तिलक स्वयं लगाना चाहिए। यदि संभव हो तो उस हल्दी का तिलक अपने पढ़ने वाले बच्चों को भी आप जरूर लगाएं। ऐसा करने से पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकेंगे तथा सभी प्रकार की शिक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने लगेगी। यदि आप अपार धन वैभव को प्राप्त करना चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको देव शयनी एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के या अपने घर के मंदिर में ही चने की दाल, पीले फल उनको अर्पण करना चाहिए। जितनी संख्या में, जितनी मात्रा में आप चाहें उतना चढ़ा दें और अर्पण करने के बाद किसी भी ब्राह्मण देवता को या मंदिर में उन वस्तुओं को आप दान कर दें। ऐसा करने से आपके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, व्यापार में उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप एक सफेद पेपर के ऊपर लाल स्याही से अपना नाम लिखें तथा अपनी पदोन्नति जो भी आप इच्छा है वो जरूर लिखें, या व्यवसाय में यदि आप उन्नति चाहते हैं तो उसको लिखें और लिखने के बाद में उसकी एक पुड़िया बना दे और उस पुड़िया को लाल धागे से बांध देवे और बांधने के बाद उसको भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में अर्पण कर दे और हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके उनसे प्रार्थना करे और अगले दिन उस पुड़िया को आप जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से आपने जो भी उस पे इच्छा लिखी है, मनोकामना लिखी है, वो अवश्य ही शीघ्र पूर्ण हो जाएगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। यदि आप अपने घर में अपार वैभव चाहते हैं, धन लाभ चाहते हैं,
तो आपको देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे के समीप, इन्हें तुलसी जी के चोरे में क्यारे में आपको मिश्री अवश्य अर्पित करना चाहिए। जो मनुष्य देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे के पास में मिश्री चढ़ाता है, उसके घर में अपार संपत्ति की प्राप्ति होती है, अक्षय धन की प्राप्ति होती है और उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आती है। यदि आप अपने घर की उन्नति और प्रगति को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको देवशयनी एकादशी के दिन किसी ब्राह्मण को गाय का दूध और फल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी और आप जो भी चाहेंगे, जो भी सोचेंगे वह तत्काल पूर्ण हो जाएगा और आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होने लगेगी। एकादशी के दिन जो मनुष्य माता लक्ष्मी को केसर अर्पित करता है तो निश्चित तौर से उसके जीवन में उसे अक्षय और अपार धन की प्राप्ति होने लगती है। यदि आप अपना स्वयं का घर चाहते हैं, अपना स्वयं का वाहन चाहते हैं तो आपको देवशयनी एकादशी के दिन भगवान नारायण के सामने 5 बार ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः इस महामंत्र को बोलना चाहिए और उसके बाद पीले रंग की मिठाई उनको अर्पित करके प्रसाद के रूप में उस मिठाई को अपने घर परिवार में और अन्य भक्तों को वितरण करना चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही आपका स्वयं का घर हो जाएगा और आपका स्वयं का वाहन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।